कमल नयन, हे पद्मनाभ, वो मुख जिसका ध्यान आते ही मन में आस का उजाला फैल जाता है, जिसका नाम लेते ही नेत्रों में आशा दीप जगमगा उठते हैं, उसी मुख पे आज चिंता की छाया देखकर मैं अत्यंत चिंतित हो रही हूँ। किस चिंता ने आपको घेर रखा है? चिंता तो नहीं महादेवी, परंतु हाँ, एक विडंबना ने मेरे विचार को घेर लिया है। तनिक मैं भी तो सुनूं, वो कौन सी विडंबना है? महादेवी, मैं मानव जीवन की उस विडंबना के विषय में विचार कर रहा था कि मानव कभी कभी बनना कुछ चाहता है और परिस्थितियां उसे कुछ और ही बना देती हैं। क्या आपका संकेत रेणुका पुत्र राम की ओर है? हाँ महादेवी, देखिए ना, मेरे इस अंश ने प्रथम बार पूर्ण मानव के रूप में जन्म लिया, और वो भी एक विद्वान, एक गुरु, एक आचार्य के घर में, एक सुशील नारी की गोद में जन्म लिया। उसके रूप में मानव समाज को एक विद्वान, एक गुरु और एक आचार्य भी मिल सकता था, परंतु परिस्थितियां उसे योद्धा बनने पर विवश कर रही हैं महादेवी। उसके हाथ से पुस्तक छीनकर उसमें शस्त्र थमा रही हैं। जो दोनों हाथों से ज्ञान लुटा सकता था महादेवी, उसके दोनों हाथों में धनुष और बाण पकड़ा दिए परिस्थितियों ने। हाँ कमल नयन, जो शांति का संदेश दे सकता था वो युद्ध का उपदेश दे रहा है, जिसे उस मार्ग पे जाना था जहाँ विद्या, ज्ञान और शांति है, वो उस मार्ग पर निकल पड़ा है जहाँ युद्ध, आग और रक्त है। किंतु इसमें उसका तो कोई दोष नहीं। कमल नयन, आपने सर्वथा उचित शब्द का प्रयोग किया है, परिस्थितियों ने उसे विवश किया है। वो इस मार्ग पर अपनी इच्छा से नहीं आया, उसे इस मार्ग पर ढकेल दिया गया है, और इसका कारण है सहस्रार्जुन। क्यों कर रहा है वो ये दुष्कर्म? महादेवी, मानव का जीवन शांत और सुखी बनाने के लिए ईश्वर ने उसके मार्ग में सहस्रों दीप जलाए हैं। उसके पास वेद, शास्त्र और अनेक अनेक धर्म ग्रंथ भेजे हैं, जिनमें जीवन के सिद्धांतों का वर्णन किया है, जीवन की सीमाओं की परिभाषा लिखी हुई है। इन सिद्धांतों और सीमाओं को राजा को अपने ढंग से मानना था और प्रजा को अपने ढंग से। किंतु सहस्रार्जुन की प्रजा तो आज भी इन सिद्धांतों, नियमों और सीमाओं का पालन कर रही है कमल नयन। परंतु सहस्रार्जुन तो नहीं मान रहा ना महादेवी। महादेवी, जब कोई राजा या कोई सत्ताधारी वर्ग इस भ्रम में पड़ जाता है कि वो केवल एक राजा है, एक स्वामी है, और ये भूल जाता है कि वो प्रजा का सेवक है, प्रजा का रखवाला है, जब सत्ताधारी वर्ग सिद्धांतों को प्रतिबंध समझकर और सीमाओं को रोक समझकर उन्हें तोड़ने का प्रयास करता है, तो वो निरंकुश बनने लगता है, और तभी सारी उलझनें उत्पन्न होती हैं महादेवी। सत्ताधारी वर्ग की निरंकुशता दमन को जन्म देती है। दमन उत्पात का कारण बनता है, उत्पात अराजकता उत्पन्न करता है, और फिर अराजकता विद्रोह का रूप धारण कर लेती है महादेवी। जब पीड़ित और आतंकित वर्ग की पीठ पीछे हटते हटते दीवार से लग जाती है महादेवी, जब उनके लिए और पीछे हटना संभव ही नहीं होता, तो फिर वो अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वो आक्रामक रूप धारण कर लेते हैं, विद्रोही बन जाते हैं। ये मानव जीवन का एक विषम मोड़ होता है महादेवी, जिस मोड़ पर समाज बदलते हैं, इतिहास बदलते हैं।